बहुत अच्छा लगा कि इस परिवार ने मुझे शो पर इनवाइट किया। बहुत जो भी है उनके कास्ट है, क्रू है, बहुत ही यू नो अच्छे से मिलजुल कर सब काम करते। एक ऐसा माहौल था कि एक खुशहाली सा माहौल था। जेठा भाई और दया बहन इनकी पत्नी है, तो हमारी बहन हुई, वो बहुत कमाल के एक्टर्स है, तो बहुत कुछ सीखने को भी मिला। तो रियली हैप्पी के आई वाज ऑन द शो। बहुत ही मजा गया और हम लोगों को तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है। मुझे तो ऐसा ही लग रहा था कि दया का भाई साक्षात आया है। अवेल मैंने यही कोशिश की कि मर्फी का कोई असर तारक पर हुआ, पर ये तो जब आप फिल्म जब मैंने इन्हें प्रीमियर के लिए बुलाया है दोनों को, पूरे कास्ट को एक्चुअली, तो जब वो आएंगे गोकुल धाम के लोग, तो आई होप कि उनको मर्फी से कुछ सीखने को मिलेगा, तो जिंदगी भर याद रहेगी। ऐसी मिठास है, ऐसी मिठास मिली हमें। हाँ, मतलब चखी नहीं ना? चखी नहीं, देखी खाली, देखी अनुभव क्या। बहुत मेहमान नवाजी, उन्होंने मुझे फूल से सम्मान दिया, उन्होंने मुझे एक पोर्ट्रेट भी दिया। जब मेरे मम्मी और पापा शो पे आए थे, वो दो दुनी चार के प्रमोशन के दौरान आए थे, तो इन्होंने एक अच्छा सा एक फ्रेम करके मुझे दिया, तो बहुत शुक्रिया जेठा भाई, बहुत दिल को बहुत खुशी हुई। अफसोस की बात यह है कि यू नो इन्होंने पहले से 4 घंटे का टाइम लिया था शो के लिए, और मेरा पहला ऐसा एक कमिटमेंट था, और मैं वैसे भी 2 घंटे लेट हो रहा था, तो जो सबके जो यूटीवी के लोग हैं उनसे मिलकर डिस्कशन हुई थी, क्योंकि उन्होंने पेजेस भी थोड़े बढ़ा दिए थे शो के, तो मुझे लगा थोड़ा कंफ्यूजन वो हो गया कि गणेशोत्सव में नवरात्रि, वही तो समझ में नहीं आया रणवीर भाई को कि गणेशोत्सव में गरबा किधर से आ गया, तो थोड़ा वो कंफ्यूजन हो गया। कोई बात नहीं, नवरात्रि में वापस बुलाएंगे और एक साथ गरबा करेंगे। क्या बात है जी। एक मैं पूरा शो का जो थीम है वो देना नहीं चाहूँगा, बट जैसे कैसे गुंडे मवाली हम सब कभी ना कभी करते हैं, लड़की को छेड़खानी करते हैं, तो कैसे जब उनको वापस यू नो अगले दूसरे गाल पे तमाचा मिलता है तो वो क्या करते हैं, और जेठा भाई का जो भी इस शो पे इनकी जो इनका लॉजिक है इसके पीछे, ये शो इस पर आधारित है, तो होपफुली कि जो हमने कोशिश की है वो पर्दे पे भी नज़र आए, छोटे पर्दे पे नज़र आए।